वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया न टूटने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आसमान ही आसमान कर देती है। सिवान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिवान पहुँचे। शहर के गांधी मैदान में पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे, जहां फूल माला से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बिहार का CM चिराग पासवान हो का कार्यकर्ता द्वारा जमकर नारा लगाया गया। लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच द्वारा प्रमंडलीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने शिरकत किया। मंच पर पार्टी के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को तलवार और गद्दा भेंट किया गया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री आखिर क्यों चिराग पासवान से नफरत करते हैं? चिराग पासवान को ख़त्म करने के लिए माप दंड भेद सभी प्रयोग करते हैं, क्योंकि चिराग गरीब और बिहारियों के लिए हक के लिए सवाल करता है। चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है, कभी टूटेगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी की चिंता सताती है। जब तक बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट नहीं लागू होगा, तब तक बिहार के लोगों का रोजगार नहीं मिल जाएगा। चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सभी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन से सांस नहीं लूंगा। और अगर बिहार में विकास की नई लकीर अगर हम लोगों को खींचनी है, तो उसके लिए किसके साथ या किसका साथ देना हम लोग ले जरूरी है। आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए इन लोगों से, पिछले 33 सालों से यही लोग बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। ये लोग और इन्हीं के घटक दल 90 के दशक से बिहार की सत्ता में रहे, और ये लोग आज जब हम लोग के बीच आते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग बिहार में विकास करेंगे। तो पूछिए क्यों पिछले 33 साल से बिहार में विकास नहीं हुआ? आज भी अगर बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आज आंकड़े दर्शाते हैं कि 2005 से लेकर 2023 तक बिहार से पलायन रुकना तो दूर की बात है, पलायन के आंकड़ों में वृद्धि ही हुई है। तो जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या बंबई से कोई लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता? मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं इस बारे में? आज क्यों क्यों मुख्यमंत्री को भैया चिराग पासवान से इतनी नफरत है? क्यों करते हैं नफरत? और अपनी नफरत को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो क्यों इतनी नफरत चिराग पासवान से? सिर्फ कारण यही है
कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है। जाएगा चिराग पासवान, नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया न टूटने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आसमानी आसमान कर सकती है। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये वादा आज आत्मनिर्भर से कर दूंगा। बताइए क्या हालात बना दिए बिहार के। छात्र अपने अधिकारों की बात मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री लाठी चलाते हैं, शिक्षक जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थी जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, किसान जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, मजदूर जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, पासी समाज के लोग जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, दलित पिछड़ा कोई भी वर्ग के लोग, जब जब जिसने अपने अधिकार की बात की सबके ऊपर लाठी चलाने का काम। और बदले में मुख्यमंत्री जी से पूछे कि भैया क्या किया आपने। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का नेतृत्व करता होने के नाते, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ बांध कर रखे। पर एक रोटी सेकने की चिंता, इस गठबंधन में रहे उस गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, सिर्फ कुर्सी की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सताती है। इसीलिए आज ये आग्रह करने आया, ये समय भी बीत गया तो फिर 5 साल तक हम लोग अधर में लटके रहेंगे। चुनावी वर्ष जरूरी है, ऐसे नेताओं को चुनना, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना जो सही मायनों में आपके हक की बात करें, आपके अधिकारों की बात करें, बिहार के सम्मान की बात करें, बिहारियों के सम्मान की बात करें, उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है। मेरे नेता मेरे पिता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो एक विकसित बिहार की नींव है उसका वो निर्माण करके गए। मैं चाहता हूँ कि आप सबका साथ मिले ताकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हम लोग धरातल पर लागू करा सकें। भैया जब तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा, बिहार में कोई उद्योग नीति नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं भैया कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते, बिहार के भूगोल को दोष देते हैं। जानते हैं ना आप लोग क्या बोले थे कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। चिराग पासवान करेंगे, चिराग पासवान। साथियों ये विश्वास दिलाता हूँ, बस बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। और अंत में ये भी वादा आप लोगों से करता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था सिवान में, उसी कार्यक्रम में शरीक होकर बिहार के हर एक जिले में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की जानकारी और जो आक्रोश स्वाभाविक तौर पर बिहार की जनता में है उससे तो हम लोग जा ही रहे हैं बताने के लिए, पर साथ ही साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे विकसित बिहार का निर्माण किया जा सकता है उसकी जानकारी भी बिहार के कोने कोने में जाकर बिहार के लोगों को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ पे शिक्षक भर्ती? शिक्षा भाई ये गलत है ना, मैंने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया, तो बिहारी कहाँ जाएंगे। और कितना शर्मनाक बयान बिहार के शिक्षा मंत्री का है, वो कहते हैं कि बिहार के लोगों में सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है वो लोग कि वो लोग बिहार के शिक्षक बन सकें। भाई अगर एक बार के लिए आपके बयान को मान भी लिया जाए तो कौन जिम्मेदार है भैया,
40 साल से लगभग 4 दशक से तो आप ही लोग सत्ता में है ना, तो क्यों बिहार के छात्रों को इतना सक्षम आप लोग नहीं बना सके लगभग इन 3.5 दशकों में कि वो बिहार के शिक्षक बन पाए? किस तरीके से बिहारियों का अपमान बिहार के ही नेता, बिहार के ही मंत्री कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहारियों पर लाठी चलाकर उनको और बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें बिहार के लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न कर रही है। भले अपने अहंकार में मुख्यमंत्री को अभी समझ में नहीं आए, पर पिछले चुनाव में भी बिहार की जनता ने उन्हें बता दिया था कि कितनी आक्रोशित है, तभी तीसरे नंबर की पार्टी वो बने थे। इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री की पार्टी संभवतः अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सारे विपक्षी, एक होकर मीटिंग हुआ है पटना में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे भाई? उसको लेकर क्या कहना है, जिस तरीके से विपक्ष एक साथ तस्वीरें खिंचाने तो आ जाता है, पर उसके बाद अगली बैठकों के लिए जिस तरीके से मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, दो दो बार तारीखें बदली, हिमाचल की जानकारी थी, फिर बेंगलुरु की जानकारी थी, पता नहीं कब इनकी बैठक होगी। देखिए, विपक्ष का एक साथ आना कठिन इसलिए भी है क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं हर राजनीतिक दल की। ऐसे में किसी एक का नेतृत्व कोई स्वीकार करे मुझे लगता नहीं है। सर, आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ भी हो सकता है, क्या कारण मानते हैं सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगा 5 साल का? पहले तो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी बचा ले। जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अपने नेता मंत्रियों से कभी मिलना जरूरी नहीं समझते थे, वो मुख्यमंत्री अपने सांसद विधायकों को घर पर बुला बुला कर चाय नाश्ता कराकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये डर दिखाता है मुख्यमंत्री जी का अपनी पार्टी में होने वाली टूट को लेकर। और ये टूट स्वाभाविक है भाई, जिन नेता, जिन विधायक, जिन सांसदों को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री, 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सांसदों ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही तो हराया था ना, 2020 में इन्हीं विधायकों ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराया था ना। आज आप दोनों एक मंच पर आ गए हैं, पर वो तमाम नेता तो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल जनता दल यूनाइटेड के नेता, विधायक, सांसदों में है, और वो आक्रोश भी है। मुख्यमंत्री तो जनता के बीच जाते नहीं, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है गलत नीतियों को लेकर। तो जो आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी, उसको कोई नहीं। सर, नीतीश कुमार चेहरा नहीं बने तो क्या एक बार पलटी मार सकते हैं फिर से? अरे भैया, पलटी मारे नहीं मारे उससे हमको क्या लेना देना, पर ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी कितनी जरूरी है।